मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक खास प्रोग्राम। आज इस खास प्रोग्राम में हम एक ऐसी गॉसिप के बारे में बात करेंगे जो इस समय बी टाउन की गलियारों में चल रही है और जिसकी जो चर्चाएं हैं वो हर जुबान पर है। वेल, आपको बता दें कि यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की सगाई अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ। जी हाँ, दोनों की सगाई चर्चाओं में रही और चर्चाएं कुछ इस कदर हो रही हैं कि अभी भी इस बात की जो हर जुबान पर ही चल रही है उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात कि शादी कब होगी, सगाई को लेकर क्या क्या हुआ। वेल, बता दें कि ये थोड़ी ऐसी प्राइवेट सेरेमनी थी जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कम लोगों को खबर थी और बाकी लोगों को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगी कि प्रियंका सगाई के बंधन में बंध रही हैं। लेकिन इसके साथ आप सभी को बता दें, इस बीच शाहरुख खान जो कि प्रियंका चोपड़ा के एक्स लवर माने जाते हैं, उनसे पूछा गया प्रियंका की सगाई को लेकर सवाल। तो भाई, जहां पुराने रिश्तों को कह सकते हैं फिर से कुरेद दिया गया और शाहरुख खान ने बड़ा ही अटपटा जवाब दिया और एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप क्या कहेंगे, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि आखिरकार शाहरुख खान का वो जवाब कैसा था, क्या कहा शाहरुख ने जब उनसे प्रियंका की शादी और सगाई को लेकर सवाल किए गए। नजर डाल लीजिए रिपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सगाई की खबर से हर कोई हैरान है। जी हाँ, प्रियंका क्योंकि काफी लंबे समय से अपने अफेयर को छुपा रही थी, वो किसी के सामने इस बात को रिवील नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनली जब प्रियंका और निक का धोखा हुआ तो भाई उसके बाद उन्होंने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू इस बात को ऑफिशियल किया तो हर जगह खुशियां ही खुशियां छा गई और खास करके कुछ फैंस तो बस इस बात से भी खुश थे कि आखिरकार प्रियंका ने इस बात को कम से कम ऑफिशियल तो किया। लेकिन आप सभी को बता दें कि प्रियंका और निक की सगाई के बारे में फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कई लोग हैं जिनको कानो कान तक खबर भी नहीं थी इस बात की। जी हाँ, यहाँ तक कि कंगना रनावत ने प्रियंका से सगाई की बात छुपाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। आप सभी को बता दें, यूं तो हर कोई प्रियंका को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, लेकिन कुछ लोग प्रियंका से ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सगाई की बात बता देनी चाहिए थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि इन सब के बीच जब प्रियंका की सगाई और शादी के बारे में शाहरुख खान से पूछा गया, जी हाँ, शाहरुख खान प्रियंका के एक्स बॉयफ्रेंड जो कि माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका और शाहरुख एक टाइम पर रिलेशन में थे एक दूसरे के साथ। आप सभी को बता दें कि प्रियंका की सगाई के बारे में जब शाहरुख खान से पूछा गया तो जो शाहरुख खान से सवाल किया गया तो बता दें कि उस दौरान प्रियंका के को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें इसे टालना बेहतर समझा। जी हाँ, और उनका जवाब बड़ा ही टेढ़ा था, जिसके बाद तो आप ही तय कर लीजिए कि आखिरकार शाहरुख ने जो प्रियंका की सगाई को लेकर जवाब दिया है क्या वो टेढ़ा था या फिर सही। आप सभी को बता दें कि शाहरुख ने रिपोर्टर को ये जवाब देते हुए कहा था, मैं भी कर रहा हूँ, तुमको मैं न्योता भेजूंगा, मेरा रिसेप्शन का कार्ड आएगा, मेहंदी पर जरूर आना, ठीक है। इस तरह से किंग खान ने प्रियंका से जुड़े सवाल को टाल दिया। वेल, तो इसमें प्रियंका की सगाई को लेकर शाहरुख खान का इस तरह बोलना भाई कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ और शाहरुख खान की इस बात पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। वैसे आप सभी को बता दें कि आए दिन प्रियंका चोपड़ा को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आ रही है, जिसमें से एक खबर ये भी सामने आई कि प्रियंका चोपड़ा जो कि निक जोनस के साथ रिलेशनशिप में है, निक जोनस के साथ सगाई करने वाली है, जो कि निक जोनस के साथ सगाई कर चुकी है, अब शादी करने वाली है। तो इसी बीच जब सगाई को लेकर हो रही थी चर्चाएं तो आप सभी को बता दें तो यहाँ पर कुछ बातें उनके पुराने अफेयर्स को लेकर भी सामने आई, जहां प्रियंका के पुराने अफेयर्स को लेकर चर्चाएं भी होने लगी। वेल, आप सभी को बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के पुराने अफेयर्स को लेकर दरअसल हो रही थी ये चर्चाएं कि आखिरकार उनके पुराने अफेयर्स में कौन था, जिसमें काफी सारे चेहरों का नाम सामने आया, फिर वो शाहरुख से लेकर शाहिद कपूर भी इसमें शामिल थे। और बाद जब शाहिद कपूर, शाहरुख खान और अक्षय कुमार की हो रही है तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर
शाहरुख खान का नाम जब प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ा था तो काफी शॉकिंग भरा था। हर कोई काफी शॉक में आ गया था जब प्रियंका का नाम शाहरुख खान से जुड़ा। दरअसल कहा यह जो आता है कि प्रियंका और शाहरुख एक साथ फिल्में करते करते काफी अच्छे दोस्त बन गए, सेट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। हालांकि शाहरुख खान शादीशुदा थे लेकिन फिर भी वो प्रियंका चोपड़ा को अपना दिल दे बैठे और प्रियंका चोपड़ा भी शादीशुदा शाहरुख पर फिदा हो गए। फिर क्या, हर मैगजीन न्यूज़पेपर में पर शाहरुख और प्रियंका के अफेयर्स की चर्चाएं थी। और आप सभी को बता दें कि ये बात नहीं डाइजेस्ट हुई गौरी खान को, और हो भी क्यों ना भाई, वो है उनकी वाइफ। जी हाँ, गौरी खान ने प्रियंका को दे दिया था अल्टीमेटम। वैसे आपको बता दें कि अल्टीमेटम मिला था शाहरुख खान को भी, जहाँ शाहरुख खान को गौरी खान की तरफ से ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का साथ नहीं छोड़ा तो फिर वो दे देंगे डिवोर्स शाहरुख खान को। फिर क्या था, शाहरुख खान को अपना घर प्यारा था। जी हाँ, उनको अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं थे गौरी खान के साथ। तो ऐसे में शाहरुख ने प्रियंका का साथ छोड़ दिया और उनके रिश्ते का दी एंड हो गया। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा का जो दिल था वो टूट गया। वैसे आप सभी को बता दें कि उसके बाद से प्रियंका शाहरुख हमेशा एक दूसरे के सवालों को अवॉइड करते हुए नजर आए, फिर चाहे वो मीडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर हो या फिर किसी और बात को लेकर हो। जब जब शाहरुख और प्रियंका से एक दूसरे को लेकर सवाल किया जाता है उनका जवाब हमेशा टेढ़ा ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि एक दफा जब प्रियंका एक अवार्ड फंक्शन को मैं एज अ होस्ट नजर आने वाली थी तो वहां पर बार बार शाहरुख का नाम लिया जा रहा था कि शाहरुख खान भी एक अच्छे होस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस बार प्रियंका के सवाल का जवाब ये था कि आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं और उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर हो। मैं नहीं लूंगी यहाँ पर किसी का नाम और मैं हमेशा हंसती रहूंगी और आपको इस तरह से हंसते हुए जवाब भी दूंगी। आपको बता दें कि प्रियंका ने अब तक अपनी सगाई की खबरों को लेकर जो पुष्टि नहीं की थी, फाइनली उन्होंने कंफर्मेशन अपने सोशल अकाउंट से दिया। आप सभी को बता दें कि भारत के निर्देशक का ट्वीट उनकी सगाई से पहले आया था कि प्रियंका उनकी फिल्म छोड़ रही है, इसके पीछे कुछ खास वजह है। वेल, आप सभी को बता दें और वो वजह सामने आ चुकी है कि उन्होंने निक से सगाई कर दी है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से प्रियंका और निक की सगाई पर जो सवाल किए गए तो शाहरुख खान थोड़ा इनडायरेक्टली वे में भड़के हुए नजर आए। वेल, जहां वो सीधा सीधा इसका जवाब दे सकते थे कि कह सकते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन है दोनों को, लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो वो सवाल टालने की कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका जो उनके उनसे रिलेटेड सवाल ना किया जाए। अब लीजिए घुमा फिरा के शाहरुख के सामने सवाल तो आ ही गया, अब वो ना चाहते हुए भी इसको टाल ना सके और टालने के ना बावजूद उनके मुंह से जो जवाब आया कि भाई उनका भी रिसेप्शन होने वाला है, शादी है, शादी का कार्ड भिजवाऊंगा, मेहंदी में ज़रूर आना, तो काफ़ी अटपटा जवाब था जिससे हर कोई हैरान रह गया। अब शाहरुख के इस जवाब को लेकर कसा कसी मची हुई है सोशल मीडिया पर एज यूजल। जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रॉलिंग होते रहते हैं, तो ऐसे में शाहरुख भी अपने सवाल के जवाब को लेकर ट्रॉल हो रहे हैं। लेकिन तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई कुछ तो खिचड़ी थी, तभी तो शाहरुख ने प्रियंका को लेकर डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, तभी तो ये जो बातें घुमा फिरा कर आई काफ़ी इनडायरेक्टली वे में आई। तो ये था आज का हमारा खास शो जिसमें हमने बात की शाहरुख और प्रियंका के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास प्रोग्राम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।